सभी को, तो क्या हम बैठ के ही बताएंगे इसको? खड़े हो जाए एक बार, खड़े हो जाए एक बार, और डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा देंगे। थोड़ा थैंक यू बोलना है हमें अपने ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, हिंदुस्तान की आन बान शान मिस्टर मनोज मलिक सर और सारिका मैम के लिए। एक बार जोरदार तालियां, इतनी तालियां नहीं चलेंगी, तालियां जोरदार काफी है। क्या थोड़ा सा डांस हो सकता है? थोड़ा सा डांस, समझ में आ गया कि जोश बहुत है। तैयार हैं? तो दोस्तों आज जो हमने सीखा, सबसे पहले खुद पे काम करना, क्योंकि जब तक इंसान खुद पे विश्वास ना करे वो कुछ नहीं कर सकता। एक थॉट है कि परिस्थिति बदलने के लिए दर दर भटकता रहा गालिब, परिस्थिति बदलने के लिए दर दर भटकता रहा गालिब, जिस दिन मनुस्थिति बदली उस दिन परिस्थिति अपने आप बदल गई। तो पहले आज हमें खुद को बदलना है, तब हम औरों को बदलेंगे। और इसी के साथ मेरी शुरुआत हुई थी 2018 में इस इंडस्ट्री के अंदर। इससे पहले की बात करूं तो बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट हूं और एक आंगनवाड़ी में गवर्नमेंट जॉब करती थी। काम क्यों करती थी? क्योंकि सपने बहुत बड़े थे, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी, अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ देना चाहती थी। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो किसान फैमिली से हूँ, मेरे फादर इन लॉ किसान हैं, और मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा था, मैंने अपने हस्बैंड को भी मेहनत करते हुए देखा था, और मैंने भी बहुत मेहनत करी थी। इतनी मेहनत के बावजूद भी इतना नहीं होता था कि कहीं मार्केट में गई कोई पसंद आई साड़ी तो मैं खरीद लूँ, और काम बहुत कर रहे थे, मेहनत बहुत कर रहे थे। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी 2018 में मेरे मेंटर नेहा जी के द्वारा मेरे पास आई। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियाँ उनके लिए होनी चाहिए, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराया। और जिस दिन पहला एक ऐसी मीटिंग मैंने अटेंड करी थी, वहाँ पर एक लड़की को सुना था अक्षी दत्ता जी, जो कि यहाँ पे चीख चीख कर बोल रही थी कि मैं 4,14,000 कमाती हूँ, विटारा बिरजा ले चुकी हूँ और 70,00,000 की मर्सिडीज लेने जा रही हूँ। आपको बताती हूँ, मेरे सर पे से तोते से उड़ने लगे थे कि जब ये लड़की कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और वहाँ मीटिंग से आने के बाद, आज आप सबने भी सुना होगा सबको, उस मीटिंग से आने के बाद मैं अपने अप्लायंस के साथ बैठी बलदेव सर, सिमरन मैम के साथ, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी, और वहां पर बैठ के उनसे प्लान समझा करना क्या है मुझे ये बता दो। उन्होंने बोला राधा जी गोवा ट्रिप आया हुआ है, आप समझना मैं जो कहना चाहती हूँ आप सभी को। अभी आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है श्रीलंका, ऐसे ही गोवा आया हुआ था। सर ने बोला ये करना है, मैंने कहा मुझे घूमना पसंद नहीं है, मुझे पैसा कमाना है, पैसा बताओ कैसे आएगा। उन्होंने बोला यही तरीका है यहाँ पर काम करने का। दोस्तों गोवा क्वालिफाई किया पहले महीने में, फास्टर 10 किया, और कर रही थी गोवा, करते करते थाईलैंड ट्रिप हो गया, और 2019 में अरविंद जी गए थाईलैंड। अभी आप समझना इस बात को, 2019 में अरविंद जी गए थाईलैंड, और उस टाइम पे गए जिस टाइम पे हम जा नहीं सकते थे। मेरे बेटे का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मल्टीपल फ्रैक्चर थे ब्रेन के अंदर, उसको ट्रिकोसमी ट्यूब लगी हुई थी गले में, पल भर का नहीं पता था, घर में हमने हॉस्पिटल बनाया हुआ था, जा नहीं रहे थे, क्योंकि एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हम मोदी केयर में आ जाते हैं ना, जिन लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं, जिनका हम आधार कार्ड पैन कार्ड लगाते हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जा नहीं सकते थे लेकिन गए, थाईलैंड पहुंच के वहां से वीडियो कॉल कर करके देख रहे थे मेरा बच्चा ठीक है ना, परेशान थे वहां पे। लेकिन किसके लिए गए दोस्तों? टीम के लिए गए, क्योंकि टीम को विश्वास दिलाना जरूरी है कि जब मेरी अचीवमेंट आ सकती है तो आप सबकी भी आ सकती है। दोस्तों एक वो वीडियो डली थी अरविंद जी की, हवा में वो झूल रहे थे, और वो वीडियो डलने के बाद आपको बता दूं मेरे पास इतनी ज्वाइनिंग आधार कार्ड पैन कार्ड झोलियां भर भर के आए, और उसी अचीवमेंट की वजह से आज श्रीलंका चल रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं, अगर आपको लगता है कि अगर आपको
कुछ लोग कहते हैं मेरी टीम नहीं सुनती, मेरी टीम मेरी मानती नहीं है, तो पहले अपनी अचीवमेंट बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर जेब में पैसा नहीं आता, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, तो कोई भी आपको नहीं सुनना पसंद करता। तो पहले अपनी अचीवमेंट, और यही किया हमने, और उसके बाद आज वो 146 रुपए का चेक बढ़कर 5,20,000 रुपए में कन्वर्ट हो चुका है, एक कार मिल चुकी है, और मेरी अकेली कार नहीं आई है दोस्तों, टीम के अंदर 32 कार आ चुकी है, लाखों रुपए कमाने वालों की लाइन लग चुकी है। और 2024 के अंदर अगर जून की बात करूं तो 100 लोगों ने श्रीलंका के अंदर एंट्री कर दी है, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं। 2024 बहुत बड़ा होगा, क्योंकि डायमंड जो डायरेक्टर जो डायमंड वर्कशॉप जो हो रही है, मुझे पता है कि हमारी टीम से ही 5 GRTT निकलने वाले हैं दिसंबर 2024 के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर। तो दोस्तों सिस्टम को अडॉप्ट किया, यहाँ पे सीखा और अपने बिजनेस को बढ़ाया। और आपको बताऊं, मोदी केयर वो पावर है, वो समंदर है, कि जितना अंदर जाओगे उतने यहाँ पर आपको मोती मिलेंगे, लेकिन आपको ना एक नाव में पैर रखना होगा। एक नाव में अगर आप चलोगे, मैं आंगनवाड़ी पे जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब थी, और अरविंद जी प्राइवेट जॉब में थे, साथ में पार्लर भी चलाती थी। सबसे पहला डिसीजन लिया गया कि उस लाइन को छोड़े जो हमें रोकती इस बिजनेस में आने में, रिजाइन किया, फुल टाइम यहाँ बिजनेस में आए। एक छोटी सी स्टोरी के साथ ख़त्म करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी हमें अपने मेंटोर को सुनना है, ध्यान से सुनना, और मैं किसी से भी क्वेश्चन करूंगी इस स्टोरी के बाद, और आप ही आंसर करेंगे, ध्यान से सुनना बिल्कुल। एक गुरु और एक चेला दोनों भ्रमण के लिए निकल रहे थे, पूरी दुनिया में वो घूमते रहते थे, जैसे आपने बुद्ध जी की स्टोरी सुनी है, पूरी दुनिया घूमते थे वो। तो उनका जो चेला था उसका नाम था माधव। दोनों घूमते 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 एक दिन बहुत रात हो गई, और रात में जब वो बहुत थक गए, तो उन्होंने गुरु ने बोला कि बुद्ध जी ने बोला कि माधव देख कहीं जगह मिल जाए तो आज रात कहीं बिता लेते हैं। चेला थोड़ा सा पास गया तो देखा वहाँ पे एक झोपड़ी थी, और झोपड़ी में एक भैंस बंधी हुई थी, और वहाँ पर एक कुछ बच्चे और मम्मी पापा थे। उन्होंने बोला कि क्या हम रात को यहाँ रुक सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आइए आइए, आपका स्वागत है। और उनको वहाँ पर आश्रय मिल गई। उनसे बातचीत हुई इनकी, बातचीत होने के बाद सारा परिवार सो गए, ये लोग भी सो गए, लेकिन गुरुजी के जो दिमाग में ना कुछ चल रहा था, उन्होंने माधव को आवाज़ लगाई कि माधव सुन, ये जो भैंस बंध रही है ना, इसको खोल दे। अब माधव बोलता है कि गुरुजी इनके घर में तो रोटी इसी से चलती है, आप इसको खोलने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो गुरुजी बोलते हैं गुरु कौन कि आप, तो खोल भैंस। चेले के दिमाग में थोड़ा डाउट हो जाता है, ये गुरुजी गलत करवा रहे हैं कि पागल गुरु है, मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। वो गुरु पे शक करता है अपने। फिर गुरु बोलते हैं कि जा भैंस खोल, वो जाता है भैंस खोल देता है, और भैंस खोल के बाप भागता हुआ आता है कि गुरुजी मैंने भैंस खोल दी। तो गुरुजी बोलते हैं अब क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। दोनों पकड़ते हैं और भाग लेते हैं वहाँ से। कुछ साल बीत जाते हैं, फिर से वो गुरु और चेला फिर से भ्रमण पे निकलते हैं, और भ्रमण पे निकलने के बाद फिर वो थक हार के देखते हैं कि कहीं आश्रय मिल जाए। तो गुरु बोलते हैं माधव देख कहीं जगह मिल जाए। तो वो जब थोड़ी दूर जाता है तो देखता है एक बहुत बड़ी हवेली, बहुत सुंदर घर बना हुआ है। तो माधव बोलता है कि गुरुजी इसी में रुके हैं कि हाँ रुकते बात कर। वो जैसे पास पास जाता देखता है तो वही जगह है जहाँ पर वो पहले आया था साल भर पहले। और वो जैसे दरवाजे के पास पहुँचता है तो अंदर से जो शख्स आता है ये तो वही है। अब माधव बेचारा डर जाता है कि ये पकड़ के मारे ना। थोड़ा सा पीछे होने लगता है, तभी वो व्यक्ति आता है, बोलता है आइए आइए गुरुजी, कहाँ थे आप, कहाँ चले गए उस रात, मैं आपको ढूंढ रहा था। तो गुरुजी सामने आते हैं, बोलते हैं हम जब पहले आए थे तो तुम्हारा घर झोपड़ी था, ये कैसे हुआ? तो वो व्यक्ति बोलता है गुरुजी आप आए थे उस दिन रात को, आप भी चले गए, और मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ चली गई रात में, और आपको पता है उसी भैंस से मेरा खाना पीना चल रहा था। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरे बच्चे भूखे मर रहे, अब मैं क्या करता, मरता क्या ना करता, मैंने काम की तलाश में रहा तो कहीं कोई काम ना मिले। फिर मुझे दिमाग में आया कि ये जो इतनी जगह पड़ी है इसी में कोई काम कर लूं। तो उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा और दिखाने ले गया कि देखो गुरुजी ये यहाँ पर बंजर पड़ा था ना, यहाँ पर मैंने मेहनत करी, यहाँ पर मैंने काम किया तो यहाँ पर इतनी अच्छी फसल हुई, यहाँ मैंने बाग लगा दिए जिसकी वजह से मेरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई और मैं पैसे वाला हो गया और आज मेरा परिवार ये आलीशान घर है ये बन पाया।
अब जो माधव था ना, वो गुरुजी को देख के उसके दिमाग में आए तो सही कर रहे थे गुरुजी, मैं ही कहीं गलत था। अब आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लगता है? क्या लगता है, सोचो आप। क्योंकि उस टाइम तो बौद्ध जी आते थे, अब आपकी भैंस खोलने कोई नहीं आएगा, आपको अपनी भैंस खुद खोलनी होगी। और वो भैंस आपकी हो सकती है खाना खा के नींद आ रही है, वो भैंस हो सकती है बच्चे रो रहे हैं घर पे, हस्बैंड की छुट्टी है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, अरे मेरी तो दुकान बंद हो गई। वो भैंस आपको पता है वो आपको खुद खोलनी पड़ेगी। और लेकिन जैसे ही आपने उस पर काम किया तो आप भी करोड़पति बन जाएंगे। तो क्या तैयार हैं? तैयार हैं?